दो सब्सक्राइबर्स। आज हम करने वाले पुश इन पुश द लास्ट वीक का ट्रेलर का रिव्यू, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। श्रेक 2001, श्रेक 2004, श्रेक 3rd 2007, श्रेक फॉरएवर आफ्टर 2010 एंड श्रेक 2 में इंट्रोड्यूस हुआ कैरेक्टर पुश इन बोट्स, जो इस मूवी सीरीज का सबसे फेमस कैरेक्टर है, जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक मूवी बनाई गई जिसका नाम था पुश इन बोट्स, जो कि आई थी 2011 में, और इसके 11 ईयर्स के बाद आ रही है पुश इन बोट्स 2 द लास्ट विश 2022 में। तो इसके डायरेक्टर और बाकी सब के बारे में बात करते हैं, तो इसके डायरेक्टर है जियो क्रॉफर्ड, जिनने क्रूड्स 2 और ट्रोल सॉलिडे डायरेक्ट किए। ट्रोल सॉलिडे 26 मिनट किए, तो उसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और अभी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, तो स्टोरी हमें पुश इन बोट्स के लाइफ के बारे में ही बता दिए, उसके आगे के एडवेंचर के बारे में ही बता दिए। तो उसके पास होते हैं लाइन लैब, जो आपको भी पता होगा या फिर ट्रेलर देखने के बाद पता चल गया होगा, पर उसने नाइन लाइफ को जला दिया, नाइन लाइफ को बंद कर दिया है। तो अब इसके पास बस एक ही लाइफ बची है, अब मार्चक का, तब मुझे ऐसा लगा फैमिली चैनल है। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला डायलॉग आता है कि इफ़ यू हैव वन लाइफ देन दैट ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ था वो, पर बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसका मीनिंग मुझे पता चल गया। तो आपको इंग्लिश में बराबर से बता देता हूँ कि इफ़ यू हैव वन लाइफ देन दैट्स मेक इट स्पेशल, तो आपके पास एक लाइफ होगी तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, अपनी लाइफ को मज़े लेंगे आपके लाइफ को मज़े लेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा इसके बाद, तो देखिए वो सीन, देखिए सीन। What do you wish to do with your last life? When you only have one life, that's what makes it special. हाँ, तो आपको भी सीन पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में बताना। पुश इन बोट्स से मेरा ये फिल्म सीरीज का सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, उसके बाद वो डोंकी है ना, वो वाला मेरा ज़रा फेवरेट कैरेक्टर होता है। श्रेक यूनिवर्स में पुश इन बोट्स सबसे फेमस कैरेक्टर में आप पहले भी बोल चुका हूँ, पर वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ट्रेलर में हमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी दिखाई गई और वही मूवी में होने वाली है क्या, ये मुझे ज़रा नहीं लग रहा है। पर ड्रीमवर्क्स की जैसे हमें मूवीज देखने को मिलता है बॉस बेबी जैसे, तो उस पर कॉमेडीज होती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मूवी से भी। आधे ट्रेलर तक हमें नाइन लाइफ्स की फ्रैंक्सनेस दिखाई गई है, और एट लाइफ वो कैसे बर्न करते ये दिखाया गया है, और बाकी के इसमें हमें थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा एडवेंचर वाला दिखाया जाता है। मूवी है तेरी ड्रीमवर्क्स एनिमेशन की तरफ से, रिलीज़ होने वाली है 23rd September को। बस इतना ही था रिव्यू, अब थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।